दोस्तों आज को इस वीडियो में मैं दिखाने वाला हूँ क्लच का किस तरह से कंट्रोल करना होता है जब आप ट्रैफिक में नॉर्मल सिटी ट्रैफिक में गाड़ी चलाते हो। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो आप मेरा पैर का मूवमेंट अभी देख सकते हो, अभी तो एकदम बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है, इसीलिए मैं क्लच को अपना मैं दबा के रखा हूँ। ठीक है, अभी मैं पूरा क्लच को दबा दिया और गाड़ी को न्यूट्रल करके खड़ा कर दिया, क्योंकि गाड़ी मेरा बिल्कुल भी रुक चुका है। अभी जैसे गाड़ी फिर से मूव होना शुरू हो गया, मैं क्लच को दबाया, फिर गाड़ी को फर्स्ट गियर में डाले और गाड़ी को धीरे धीरे करके बढ़ाना शुरू किया। सामने एक छोटा सा बम्पर है तो मैं क्या किया, अपना जो एक्सेलेटर को हल्का सा दबाए, अभी मैं क्लच को दबाया, स्पीड थोड़ा सा बढ़ रहा है, लेकिन सामने वाला गाड़ी से मैं थोड़ा सा डिस्टेंस भी बना के चल रहा हूँ, उसीलिए मैं गाड़ी को फिलहाल अभी सेकेंड गियर में डाल दिया। ठीक है, अभी मैं सेकेंड गियर में चलाऊंगा जब तक रास्ता आगे का क्लियर ना हो, और मैं हमेशा देखिएगा थोड़ा सा सामने वाला गाड़ी से मैं डिस्टेंस बना के चलता हूँ। अभी मेरे को लेफ्ट में मोड़ना है तो मैं क्या किया, क्लच को पूरा दबाया, गाड़ी को फर्स्ट गियर में मैं डाल दिया। सिग्नल रेड तो मेरे को रोकना है, तो मैं क्या किया, क्लच दबाया, न्यूट्रल में कर दिया था, अभी गाड़ी फिर से चलना शुरू हो गया है। तो अभी मैं क्या किया, फिर से क्लच दबाया, गाड़ी को फर्स्ट गियर में डाला, गाड़ी थोड़ा सा जब भी मूव करना शुरू करे तो गाड़ी को आपको तुरंत सेकेंड गियर में दे देना है और क्लच से पैर हटा लेना है, क्योंकि इस तरह से जो बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है यहाँ से आप सेकेंड या थर्ड से ऊपर जा नहीं पाओगे, और हमेशा सामने वाला गाड़ी से डिस्टेंस बना के चलो। देखो मैं अभी लेफ्ट से मैं इसको ओवरटेक कर रहा हूँ, लेकिन सामने वाला गाड़ी फिर से रुक रहा है क्योंकि रेड सिग्नल हो चुका है। क्लच को पूरा दबाया, धीरे से ब्रेक को टैप किया और पूरा गाड़ी को मैं रोक दिया। जब भी आप इस तरह का सिग्नल में जब भी रुके हो गाड़ी को, मैं जैसे देखो अब मैं क्लच को दबाया, इधर देखो मैं इसको न्यूट्रल में कर दिया गियर को, और क्लच ब्रेक हर एक जगह से पैर हटा दिया, और हैंड ब्रेक को मैं यूज़ करता हूँ हमेशा जब भी, ताकि गाड़ी सामने पीछे आगे पीछे ना हो, रोल डाउन ना हो। तो चलिए फिर से सिग्नल होने दीजिए, फिर से आगे चलते हैं। चलिए सिग्नल हो गया, आगे का रास्ता भी थोड़ा सा खाली है, सामने एक बाइक जा रहा है, तो मैं गाड़ी को अभी फटाक से सेकेंड गियर में डाल दिया और ये मैं थर्ड गियर में डाल दिया, लेकिन सामने फिर से सिग्नल है, फिर से मैं क्लच को दबाया, आगे वाला गाड़ी स्लो डाउन कर रहा है, क्लच को दबा के थोड़ा सा मैं ब्रेक को टैप किया, गाड़ी को स्लो डाउन किया, सेकेंड गियर में किया और फिर से सिग्नल, फिर से गाड़ी को न्यूट्रल में कर दिया और गाड़ी को मैं रोक दिया। तो सिटी में जब भी गाड़ी चलाओ आपको इसी तरह का ट्रैफिक आपको मिलते रहेगा, जो कि हमेशा बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है। आप देख सकते हो मैं जब भी गाड़ी भी रोकता हूँ सामने वाला गाड़ी से भी थोड़ा सा डिस्टेंस मैं मेंटेन करता हूँ। ऐसा भी हो सकता है कि सामने वाला गाड़ी किसी कारण से ख़राब हो गया, रुक गया, तभी आप क्या करोगे, आपके पीछे भी गाड़ी आकर लगा देगा, लेकिन गाड़ी का सामने थोड़ा सा गैप छोड़ दो ताकि आप लेफ्ट राइट करके सामने को गाड़ी को आप निकाल पाओ। मैं कोशिश कर रहा हूँ हर एक तरह का रास्ता में आपको गाड़ी चलाना दिखाऊँ। ये देखिए आप, मैं वन वे ने मतलब फ्लाईओवर के ऊपर से जा रहा हूँ और गाड़ी को लेफ्ट से ओवरटेक कर रहा हूँ। तो हर एक तरह का सिचुएशन में मैं चाह रहा हूँ आपको गाड़ी चलाना आपको दिखा दूँ, सिखा दूँ। देखिए सामने एक बस आ रहा है, मैं क्या किया, क्लच को दबाया, ब्रेक को थोड़ा सा टैप किया, स्लो डाउन किया। ठीक है, अभी भी फ़िलहाल अभी भी मेरा गाड़ी थर्ड गियर में ही है, क्योंकि सामने वाला बस अभी देखिए मैं थोड़ा सा गैप बना के मेनटेन कर रहा था, अभी मैं इसको राइट में काटा, गाड़ी को सेकेंड गियर में दिया और मैं उड़नचू हो गया। अभी चलिए फटाक से ऑटो को ओवरटेक कर लेते हैं, क्योंकि ऑटो वाला कभी कभी काफ़ी ज़्यादा सर दर्द होता है, धीरे धीरे जाता है और सामने चलते रहता है। अभी रास्ता खाली, मैं गाड़ी को थर्ड गियर में दे दिया और फिर से सिग्नल। यार सर, सिटी में गाड़ी चलाना मतलब ये ट्रैफिक एकदम रुकना और चलना, तो हमेशा गाड़ी को आपको लॉन्च करना फर्स्ट गियर से आपको अच्छी तरह से सीखना पड़ेगा ताकि हमेशा बंद ना पड़ जाए।